हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं श्वेता। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूं। तो आज मैं आपके सामने शेयर करने जा रही हूं अपनी सी सेक्शन डिलीवरी की स्टोरी। थोड़ा सा आपको मैं बैकग्राउंड बताना चाहूँगी कि ये मेरी सेकेंड डिलीवरी थी एंड मेरी जो फर्स्ट डिलीवरी थी वो मेरी नॉर्मल डिलीवरी थी एंड ये सेकेंड डिलीवरी थी ये मेरी सी सेक्शन डिलीवरी थी। तो इस पर मुझे बहुत सारे कॉमेंट्स भी आए थे कि आप अपनी सी सेक्शन के बारे में बताइए, कैसे कैसे क्या क्या हुआ, अपना एक्सपीरियंस बताइए। सो मैं आपको यहाँ पे अपनी छोटा सा मैंने इंट्रो दे दिया है कि क्या क्या था। ओके, तो मेरी जो प्रेगनेंसी जर्नी थी वो बहुत अच्छी नहीं थी। इसके पहले मैं वीडियो बना चुकी हूँ अपनी प्रेगनेंसी जर्नी के बारे में और अच्छी नहीं थी। अच्छी इन दी सेंस कि कुछ ना कुछ बैक टू बैक प्रॉब्लम्स ही रहती थी, कभी कुछ। तो ऐसा था। उसके बाद जब मेरा 9th मंथ स्टार्ट हुआ एंड 9th मंथ में जब मेरी डिलीवरी का टाइम आया, मुझे डेट मिली थी 16th एंड जो मेरी डिलीवरी हो गई वो 8th को डिलीवरी हो गई थी। तो ज़्यादा गैप नहीं था, मतलब 8 दिन पहले ही मेरी डिलीवरी हो गई थी, 6-8 दिन पहले। तो ये था। तो मैं गई थी डॉक्टर विज़िट के लिए। एक्चुअली मुझे ना जाने से पहले 1-2 दिन पहले मुझे थोड़ी सी ब्लीडिंग सी फील हो रही थी, तो मैंने सोचा ये मुझे क्या हो रहा है। तो मैंने डॉक्टर से अपनी पूछा कॉल करके, तो उन्होंने बोला कि आप आ करके मुझे दिखा दो। ये जन्माष्टमी वाले दिन की बात है, 7 सितंबर की बात है। और तो रात हो गई थी, तो मैंने सोचा कि रात में क्या जाना है दिखाने, चलो छोड़ देते हैं, सुबह चले जाएंगे दिखाने के लिए। तो 8 तारीख को सुबह वर्मा जी ऑफिस चले गए क्योंकि उनको छुट्टी नहीं थी। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हम आफ्टरनून में हाफ डे लेकर के आफ्टरनून में चलते हैं। तो मैं यहाँ से निकली आफ्टरनून में और उस दिन बारिश बहुत हो रही थी एंड रश बहुत था। तो मैं यहाँ से 1 बजे करीब मैं निकल गई थी यहाँ से। तो बारिश होने लगी और वर्मा जी को मुझे ऑफिस से पिक करना था, देन हम लोग को हॉस्पिटल जाना था। कोकिला बहन हॉस्पिटल में मेरी डिलीवरी हुई थी, तो वहीं पर मेरी डॉक्टर थी। तो हम लोग वहाँ पहुँचे करीब 4 बजे के आसपास, हम 4:30 बजे पहुँचे हैं। तो डॉक्टर ने विज़िट किया, मतलब देखा मुझे, इंटरनल चेकअप किया। तो देख करके उन्होंने बोला कि वाटर बैग जो है वो लीक हो गया है एंड बेबी ने पॉटी भी कर दी है। तो ऐसा हो गया, अब आप एमरजेंसी में एडमिट हो जाएंगे, उन्होंने ऐसा बोल दिया। तो फिर ऐसा था। फिर हम लोग, मैं बहुत घबरा गई। एंड मैं आपको बोलूँ, मैं ना, मेरा जो ये प्रेगनेंसी था उसमें मैं पूरी बहुत डरी हुई थी एंड मैं मतलब बहुत नर्वस थी। ये सब जो चल रहा था, सेकेंड डिलीवरी थी, जबकि फ़र्स्ट डिलीवरी में लोग नर्वस होते हैं, डरे हुए होते हैं, बट मैं फ़र्स्ट में बिल्कुल बेधड़क, सब कुछ नॉर्मल हो गया था। लेकिन सेकेंड डिलीवरी में न जाने मुझे क्या हो गया था। मैं कभी नहीं डरती हूँ इन सब चीज़ों से, लेकिन ये जो सेकेंड डिलीवरी थी मेरे लिए, मतलब मैं बहुत स्केयर्ड रहती थी, बहुत डरी हुई थी हर चीज़ से। तो इसके पहले आपको पता ही होगा कि मेरा एक मिसकैरेज हो चुका था ये सेकेंड डिलीवरी से पहले। तो उस शायद वो बात भी थी कि मेरे मन में एक डर था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा ना, सब कुछ ठीक रहेगा ना, शायद वो बात भी थी। एंड जब उन्होंने बोला कि आप अर्जेंट में, आप इमरजेंसी में एडमिट हो जाइए, आज ही डिलीवरी करनी पड़ेगी सी सेक्शन से। अब जब सी सेक्शन का नाम आया तो मेरे तो होश उड़ गया, ठीक है, क्योंकि मैं प्रिपेयर थी अपनी नॉर्मल डिलीवरी के लिए। जब मेरी फर्स्ट नॉर्मल है तो सेकंड भी नॉर्मल ही होगी, लेकिन जब उन्होंने ऐसा बोला तो मैं और ज़्यादा डर गई। खैर कोई बात नहीं, वर्मा जी चले गए पेपर वर्क करने के लिए नीचे और मैं ऊपर 8th फ्लोर पे थी। वहाँ पे जो नर्स थी वो मुझे रूम पे लेके गई, चेंज करवाया उन्होंने, मुझे थोड़ा रिलैक्स किया एंड चेंज कराने के बाद थोड़े बहुत कुछ इंजेक्शन वगैरह होते हैं वो दिए। उसके बाद मुझे एक बेड पे चेंज कराने के बाद लिटा दिया गया। अब वर्मा जी अभी तक आए नहीं थे, मैं उन्हें कॉल कर रही हूँ, आप कहाँ पर हो। तो वो फिर थोड़ा अपना पेपर वर्क करके ऊपर आए, एक घंटे में करीब आ गए थे। इतनी देर में मुझे तैयार कर दिया गया था, नहला दिया गया था, मुझे डिलीवरी से पहले, सी सेक्शन से पहले मुझे नहला करके, चेंज करा कर लिटा दिया गया था बेड पे, स्ट्रेचर पे, कि अब आपको यहाँ से ही, इसी बेड से आपको ओटी तक लेके जाएंगे। तो ऐसा था। अब मैं बहुत डर रही थी, मुझे बहुत रोना आ रहा था, पता नहीं क्यों मुझे बात बात पर बहुत रोना आ रहा था। क्योंकि क्या हुआ था, पीहू घर पर छूट गई थी, उसके दादा दादी थे घर पर, बट फिर भी मुझे पीहू के लिए बहुत, मुझे उसकी बहुत याद आ रही थी।
स्कूल से आएगी, मैं उसको नहीं मिलूंगी एंड फिर अब मेरे को यहीं पे ही 4-5 दिन रुकना पड़ेगा। ये सारी बातें मेरे बैक माइंड पे, मतलब बैक हेड पे चल रही थी एंड मैं बहुत नर्वस थी इन सब चीज़ों से, बहुत डरी हुई थी। तो फिर मैं रोई जा रही हूँ, फिर वर्मा जी आए, उन्होंने मुझे चुप कराया, क्यों रो रही हो। उन्होंने मेरे, मतलब उस टाइम पे वर्मा जी मेरे लिए बहुत, मतलब उन्होंने बहुत मेरी हेल्प करी थी, बहुत मेरा बैकबोन की तरह काम कर रहे थे, तो सपोर्ट था उनका मुझे बहुत, क्योंकि हम दोनों ही थे हॉस्पिटल में बस। तो ऐसा मुझे एडमिट कर दिया गया एंड फिर जब सोचो भी कुछ नहीं, ओटी में जाने लगे तो साल के मुझे और डर लगने लगा। वर्मा जी भी बहुत डरे हुए थे क्योंकि ये सब फर्स्ट टाइम था एंड हम दोनों सब कुछ अकेले ही देख रहे थे। तो मैं अंदर, हम लोग, मेरे को लिटा करके अंदर रूम पे ले गए। जब मैं ओटी पहुंच गई तो वहाँ पे एनेस्थीसिया जो देते हैं डॉक्टर, वो आ गए एंड वो मेरे पीछे, वो खड़े हुए मेरे पीछे और वो बोले कि आप उठ करके बैठ जाओ। एक तो हाँ, जो जिसमें उन्होंने मुझे लिटाया था ऑपरेशन के लिए, वो बहुत ही पतली सी एक क्या बोलेंगे, बेंच थी या टेबल थी, आई डोंट नो, पर बहुत पतली थी। एंड मैं फर्स्ट टाइम अंदर ओटी में जब गई थी ना, तो चारों तरफ बहुत सारी लाइट्स थी एंड वहाँ पे 8-10 लोग थे, इतने सारे लोग थे वहाँ पे। तो फिर ये सब था एंड फिर जब एनेस्थीसिया लगाने की बारी आई तो मुझे बोला गया अब आप उठ करके बैठ जाओ। मुझे पीछे से सपोर्ट दिया गया कि मेरे को उठने में हेल्प हो जाए और सपोर्ट देके मुझे बैठा दिया गया। देन मेरी पीठ को एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर ने बोला आप एकदम स्ट्रेट बैठ जाओ एंड अपनी नेक को एकदम नीचे करके और एक पिलो मेरे आगे रख दिया कि आप अपना हेड अपने फेस को उस पर लगा लो। और मेरे सर को एकदम नीचे बोला कि आप एकदम पुश करो और पीछे की बैकबोन में उन्होंने एकदम, मुझे लगता था कि एकदम नीचे साइड पे इंजेक्शन लगता होगा लेकिन नहीं, जहाँ पे आप जारबन बांधते हैं पीछे यानी कि नारा बांधते हैं उसके ऊपर 1 इंच ऊपर करीब उन्होंने मेरे इंजेक्शन लगाना स्टार्ट किया, बट वो लग ही नहीं रहा था। आई मीन वो इंजेक्शन जो है अंदर जा ही नहीं रहा था। फिर डॉक्टर ने उसे निकाल करके फिर ट्राई किया, देन वो एकदम से लग गया। और डॉक्टर ने जैसे ही वो लग गया फिर मुझे पता नहीं चला कि कितना पेन हुआ, मतलब हल्का सा पिंच हुआ एंड फिर वो लग गया इंजेक्शन। देन फिर वहाँ पे सबने हड़बड़ हड़बड़ करना स्टार्ट कर दिया, अब आप लेट जाइए फटाफट से, क्योंकि एनेस्थीसिया का जो असर होता है वो विद इन 20-30 सेकेंड में ही स्टार्ट हो जाता है। तो मुझे लिटा दिया गया, कंफर्टेबल स्ट्रेट एकदम लिटा दिया गया एंड हाथ मेरे स्ट्रेट करा दिए गए, ऐसा था। एंड फिर उसके बाद डॉक्टर ने मुझसे पूछा कि क्या आपको फ़ील हो रहा है, तो मुझे पूरा फील था, मतलब मैं पूरी सेंस में थी। एंड जब उन्होंने टच कराया नाइफ वगैरह जो भी था, वो जो भी उनका इंस्ट्रूमेंट था, तो मैंने डॉक्टर से बोला आप वेट करो मुझे फ़ील हो रहा है, अभी मेरे सेंसेस हैं। तो उन्होंने कहा देखो तुम्हें सेंस तो है, रहेगा, फील भी तुमको होगा लेकिन तुम्हें पेन नहीं होगा। जब उन्होंने मुझे ये बोला कि तुम्हें पेन नहीं होगा, फील होगा, तब मुझे और घबराहट होने लगी कि मुझे पता चलेगा कि कैंची से या चाकू से मेरा पेट कैसे कट रहा है। एक ब्लू कलर का पर्दा उन्होंने मेरे सामने लगा दिया, वो मेरी रिकॉर्डिंग है, ऑपरेशन में जब उन्होंने मेरा पेट कट कर लिया ना, मतलब जब कट हो गया तो उन्होंने वर्मा जी को अंदर बुला दिया था। वर्मा जी मेरे पास ही बैठे थे, वो मुझसे बातें कर रहे थे, सारी मुझे सब कुछ अच्छे से याद है एंड मैं सेंस में थी। और जैसे ही बेबी हुआ है, डॉक्टर ने मुझे टाइम बताया, बेबी निकाल करके वो जो पर्दा लगाया था उसके ऊपर से मुझे दिखाया, देन मुझे सुकून हुआ कि हाँ मेरा बच्चा मुझे मिल गया है। और तो फिर उन्होंने मुझे बेबी दिखाया एंड मुझे टाइम बताया, तो फिर उसके बाद वर्मा जी मेरे बगल में बैठे रहे। फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा ना मैं सेंस तो था ही, बट मैं बिल्कुल कंफर्टेबल थी, मतलब बेबी हो गया है अब ठीक है। तो मुझे लगा अब तो पता ही नहीं चला, अब तो बेबी हो गया है एंड वर्मा जी मेरे पास ही बैठे हुए थे। तो फिर बेबी को फिर ले गए, वॉश करके रैप करके उसको अंदर ले गए, अब पता नहीं मुझे पता नहीं उसको कहाँ ले गए। उसके बाद फिर जब ये सब हो गया तो मुझे वर्मा जी को बाहर भेज दिया गया एंड जब स्टिचेस लग गए एकदम से फ्री हो गई मैं, तो फिर मुझे रिलैक्स कर दिया गया एंड अब मुझे बोला गया कि अब आप लेटी रहो। और फिर मुझे उठा करके दूसरे बेड में लिटा करके थोड़ी देर बाद 15-20 मिनट और एक दूसरे रूम में, ऑब्जर्वेशन रूम में, कि अब मैं आपको 1-1.5 घंटे ऑब्जर्व करेंगे डॉक्टर मुझे। फिर डॉक्टर विजिट के लिए आई, उन्होंने मुझसे पूछा कि आप ठीक हो ना, तो मैंने कहा हाँ मैं ठीक हूँ। और वहाँ पर डॉक्टर अंदर भी बहुत चेयरफुल थे, सब कुछ बात करते करते उन्होंने ये सब ऑपरेशन किया था, वो वहाँ तक सब ठीक था।
लेकिन मैं ऑब्जर्वेशन के लिए एक दूसरे रूम में रख दिया गया। वहीं पर ही मेरी बेटी ईरा भी थी, मेरी न्यू बॉर्न बेबी, और वो रो रही थी। अभी तक मैंने उसको गोद नहीं लिया था, अभी तक मैंने उसको फीड नहीं कराया था, अभी तक मैंने उसको स्पर्श भी नहीं किया था अपनी बॉडी से। तो एक ऐसा था, एंड मुझे डॉक्टर ने सिर्फ दूर से दिखाया था, और उसको फिर उसको कुछ सांस का प्रॉब्लम होने लगा था। डॉक्टर ने बोला कि इसको ऑक्सीजन का प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसको NICU में रखना पड़ेगा। अब वो तो चली गई NICU में 11 बजे 10 बजे के आसपास, और वर्मा जी उसी काम में लगे हुए थे, पेपर वर्क में, और मैं को रेस्ट करने के लिए लिटा रखा गया था। अब मेरा हाल ऐसा था कि मुझे बहुत ज़ोर प्यास लग रही थी, मतलब उस समय मुझे एक बूंद पानी की कीमत अहमियत पता चल रही थी कि आज मैं इतनी प्यासी हूँ पर मैं पानी नहीं पी सकती हूँ, क्योंकि सुबह से पानी, मैं 1 बजे के घर से निकली थी तो खाना खा के गई थी, मैं खाना और पानी पी के गई थी, उसके बाद तो कुछ खाया ही नहीं था। रास्ते में ट्रैवलिंग में थी, फिर डॉक्टर के यहाँ पहुँची तो ये सब स्टार्ट हो गया। तो अब मुझे बहुत ज़ोर प्यास लग गई थी, और ऑपरेशन से पहले आई थिंक कुछ खाया पिया नहीं जाता है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था। मैं तो सिर्फ सिंपल दिखाने गई थी अपने आप को, और एडमिट हो गई थी, तो मैंने 1 बजे 12:30 बजे खाना खाया था। तो फिर अब मुझे प्यास बहुत लग रही थी, तो फिर रात को मुझे रूम में शिफ्ट किया गया 12 बजे के करीब। ईरा जा चुकी थी NICU में, वर्मा जी मेरे साथ थे। और जब मैं 12 बजे आई हूँ अपने रूम में, जो हमारा रूम था, वहाँ पे मुझे एक कप छोटा वाला नारियल पानी दिया गया, और मैं पानी पी करके मैंने कहा, डॉक्टर मुझे बहुत जोर भूख लग रही है। तब तक मुझे दूसरा दर्द एहसास नहीं हो रहा था, तो मुझे, मैंने कहा मुझे भूख लग रही है, तो मुझे फिर बिस्किट, पार्ले जी बिस्किट और पानी मैंने पिया, कुछ 12:30-1 बजे के आसपास की बात है। उसके बाद मैं सो गई। जब मैं सो गई ना, तो वो दर्द तो था ही, क्योंकि मैं पेन किलर दिया हुआ था, तो दर्द तो था, बट इतना एहसास नहीं हो रहा था कि स्टमक में कुछ है। नेक्स्ट डे सुबह 6 बजे के आसपास नर्स आई, उन्होंने मुझे मेडिसिन दिया, दवाइयाँ वगैरह सब कुछ दिया, खाया पिया, एंड ड्रिप तो चढ़ ही रही थी आपके, तो वो सब हुआ। फिर उसके बाद सुबह डॉक्टर विज़िट पे आई। जब वो डॉक्टर विज़िट पे आई हैं, मुझे उठना था, तो लिटरली मैं उठ नहीं पा रही थी, मेरा हाल ख़राब था। मुझे लग रहा था मेरी बॉडी में क्या हो गया है, मैं अपने बॉडी से, अपने शरीर से उठ नहीं पा रही हूँ। एकदम बॉडी मेरी ख़राब हो चुकी थी, मैं बिल्कुल, मेरे को लग रहा था मैं बिल्कुल टूट चुकी हूँ, मेरे शरीर में जान नहीं है, ऐसी बॉडी किस काम की है। मुझे ये फीलिंग आने लगी थी कि ये क्या हो गया है मुझे। नॉर्मल डिलीवरी के बाद दूसरे दिन से ही मैं बिल्कुल अच्छी एक्टिव हो गई थी। मैं ये नहीं कहूँगी कि नॉर्मल डिलीवरी बहुत ईजी होती है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी टफ टाइम, बट ऑपरेशन के बाद मैंने फील किया कि हमारा शरीर हमारे काबू में है ही नहीं। वो टाइम मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा लाचार महसूस कर रही थी कि मैं किसी एक अगले बंदे के बगैर उठ नहीं सकती, अपनी बॉडी को उठा नहीं सकती। बहुत रो रही थी मैं उस टाइम पे, मेरे को बहुत पता नहीं वो टाइम कैसा था, एंड बहुत पेनफुल था। कुछ भी, जो कुछ भी था वो बहुत पेनफुल था। मुझे वॉशरूम जाने के लिए किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ती थी, पानी पीना है तो मुझे सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती थी, किसी को मेरे को उठाना पड़ेगा, बेड में लेटी हुई हूँ, बेड को जब तक आप ऊपर नहीं करोगे मैं उठ नहीं सकती हूँ, और ऊपर से बच्चा मेरे पास था नहीं 2 दिन तक। तीसरे दिन मुझे बुला करके बेबी को फीड कराने के लिए बुलाया गया था, तो 2 दिन के बाद मैंने अपने बेबी को होल्ड किया था। तो ये सारी चीज़ें मेरे साथ चल रही थी आफ्टर डिलीवरी, वो भी सी सेक्शन के बाद। तो मैं बहुत डिस्टर्ब थी उस टाइम पे, मुझे बात बात पे रोना आ जाता था। हॉस्पिटल में वो 6 दिन कैसे काटे हैं वो मैं ही जानती हूँ, मतलब बहुत ही पेनफुल था इस तरह। और बाकी तो आपने मेरे व्लॉग्स देखे ही होंगे, जो पूरी डिटेल जर्नी थी, स्टोरी थी, वो मैंने अपने व्लॉग में शेयर किया है। अगर आपने मेरे व्लॉग को देखा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अगर यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया है तो मुझे पता चल जाएगा। और फिर उसके बाद 5वें दिन ईरा हमें मिल गई थी, मेरी बेटी डॉटर जो हुई थी, न्यू बॉर्न बेबी, वो मुझे मिल गई थी 6th डे को आफ्टरनून में। तो उसी दिन मेरा डिस्चार्ज हुआ था, देन फिर हम घर आ गए थे। उस 6 दिन में टाइम टू टाइम डॉक्टर को विज़िट होना, मेडिसिन लेना, ड्रिप्स चढ़ना, वो सारी चीज़ें बैक हेड में चली रही थी। तो यही था मेरा सी सेक्शन का एक्सपीरियंस, जो कि बहुत ज़्यादा हॉरेबल था। मुझे बहुत पेन था।
और वो 6 दिन वो जो पेन थे ना, और बीच में आपको साथ में कॉन्स्टिपेशन भी आपको हो जाता है क्योंकि आपका सी सेक्शन हुआ होता है, आपको पानी नहीं दिया जाता है, तो उसकी वजह से आपके पेट में आई डोंट नो क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, जिसकी वजह से आप बहुत बेचैन रहते हो क्योंकि आपको फ्रेश नहीं हो पा रहे हो आप। तो यही सारी चीज़ें थी जो आफ्टर सी सेक्शन मैंने फेस की थी। तो आप लोग इस बात से कितना रिलेट कर पाए मेरे इस वीडियो से मुझे कमेंट करके बताइएगा। एंड जिसकी भी अभी डिलीवरी होने वाली है उनको ऑल दी बेस्ट, आपका अच्छे से डिलीवरी हो, अच्छा सा बेबी आपके पास, हेल्दी बेबी मिले आपको, आए आपकी लाइफ में एंड बहुत सारी खुशियां आपकी लाइफ में आए। सो यही मैं विश करती हूँ आप लोगों के लिए। मेरा तो यही एक्सपीरियंस था जो मैंने आपके साथ शेयर किया एंड आई होप हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए वीडियो। तो चलो फिर इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं फिनिश करती हूँ, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।